मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल शिवरी नारायण के 8 बच्चे 34वीं ऑल इंडिया क्लासिकल एंड फोक डांस कंपटीशन विशाखापट्टनम में देंगे अपनी प्रस्तुति। शिवरी नारायण नगर के तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल की बालिकाएं आगामी 7 से 9 जुलाई तक होने वाली भरतनाट्यम एकल फोक डांस कंपटीशन होगी, जिसमें भारतवर्ष के अनेक राज्य के विद्यालय के सिलेक्टेड विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इसी कड़ी में तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल शिवरी नारायण शिक्षक नवीन डे के मार्गदर्शन नागेश राव डांस टीचर के द्वारा बच्चों को पूरी तरह भरतनाट्यम एकल डांस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया गया है। सबको प्रशिक्षित किया गया है। सभी प्रतिभागी 8 बालिकाएं कक्षा 7वीं से सुरभि यादव, पलक सुल्तानिया कक्षा 8वीं से सौम्य अग्रवाल, अन्य सुल्तानिया लोक्या सोनी, तनिषा यादव कक्षा 9वीं से प्रियल अग्रवाल, सिद्धिका अग्रवाल, सभी बालिकाएं फोक क्लासिकल डांस की तैयारी किए हैं। बच्चों के साथ साथ उनके पालक और स्कूल से शिक्षक विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल प्रशांत प्रधान ने सभी बच्चों को बधाई दी। तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल से पहली बार विशाखापट्टनम जा रही हैं क्लासिकल डांस के लिए, क्या कुछ नहीं बताएंगी? ये हमारा फर्स्ट टाइम है इस स्कूल से कहीं भी परफॉर्मेंस देने जाना। हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं। मैं सिद्धिका अग्रवाल हूँ। मैं इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम प्रियल है और मेरा भी कॉम्पिटिशन टाइप की चीज़ों के लिए फर्स्ट टाइम है। मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये परफॉर्मेंस विशाखापट्टनम के आंध्रा यूनिवर्सिटी के पास अम्बेडकर हॉल में होने वाला है और हम आशा करते हैं ये बहुत अच्छा होगा ये परफॉर्मेंस। एक्चुअली ये स्कूल से इस बार हमने सेलेक्ट किया है बच्चों को, 8 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और इन लोग जा रहे हैं नाट्य रैली का, नाट्य प्रभा का अवार्ड फंक्शन। इन लोग को नेशनल अवार्ड मिलने वाली है, उसका फेस्टिवल होती है वहाँ पर, नाट्य रैली का डांस फेस्टिवल है, उसमें प्रेजेंटेशन के लिए इन लोग जा रहे हैं और उसके साथ ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन भी है। दोनों को मिलाते हुए उन लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। जी सर, बताएंगे मीडिया के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से ये चाहूँगा कि एक तो मीडिया के बगैर हमारा बच्चों का फ्रंट फुट नहीं मिलता है, एक हो गया। दूसरा, पेरेंट्स को एंकरेज होने के लिए मीडिया ही है और बच्चों को एंकरेज होने के लिए भी मीडिया ही है। और पेरेंट्स को मैं थैंक्स बोलता हूँ कि वो उन लोग ने इस स्टेप को आगे लिया, क्योंकि भरतनाट्यम जब तक मंच पर नहीं हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। और इन लोग अभी मंच शुरू कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल कंटिन्यू करने वाले हैं अभी। जी सर, बताएंगे आपके तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल से कितने बच्चे और कौन कौन जा रहे हैं आप उन लोग साथ में विशाखापट्टनम के लिए, बताएंगे? एक्चुअली देर आर 8 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 7, 8 एंड 9। दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर भरतनाट्यम डांस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एट विशाखापट्टनम। आवर भरतनाट्यम टीचर एस्कॉर्टेड टू हिम and it has been organized 34 all Indian classical and folk dance competition to be held at Ambedkar। तो इसमें 8 बच्चे जो है हमारे सिलेक्ट हुए और उन्हीं 8 बच्चे को हमारे जो नागेश सर है, नागेश राव जो है हमारे भरतनाट्यम टीचर है, उन्होंने एस्कॉर्ट करेंगे और वहाँ पे जो फोक डांस पार्टिसिपेशन होगा भरतनाट्यम से, वहाँ पे उनका प्रतिभा दिखाएंगे। सो ये गर्व की बात है कि तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल हैव प्रोड्यूस द प्रोमिनेंट डांसर फ्रॉम 2021 एंड दिस ईयर ऑल्सो वी आर सेंडिंग द 8 स्टूडेंट्स।